हाय प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम टीच में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल राम टीच में बात करेंगे कि हमारा जो राम टीच चैनल है वो हमें कैसे आगे इंग्लिश के ऊपर में पहुंचाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल राम टीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो नोट्स हैं, जैसे हमारे इंग्लिश का ग्रामर का नोट्स है, वो हम आपको अब नाउन से पढ़ाएंगे। जो हमारा नाउन है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक। तो हमारा जो पहला नाउन है, नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन होता है संज्ञा। आपका क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा जो हमारे जो आसपास जो उपस्थित वस्तुएं हैं, उसे हिंदी में हम पहले डिफाइन कर देते हैं। जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, तो हमारा जो नाउन है उसके बारे में, दैट कैन बी सीन एंड फेल्ट और कॉल्ड नाउन। तो हम इसे हिंदी में बताते हैं, जो हमारी जो वस्तुएं हैं, जो आसपास जो हमारे जगत में जो भौतिक जगत में जो हमारी वस्तुएं हैं, जैसे किसी स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जांपल में है ताजमहल, ये हमारा स्थान है। रामायण ये हमारी बुक है, जो फेमस बुक है उसका नाम दिया गया है। और मैन है, अनुपम है, किसी का नाम हो या किसी स्टूडेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक। तो हमारा पहला नाउन आता है कंक्रीट नाउन्स, कंक्रीट नाउन। दूसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक। तो हमारे दो नाउन है, कंक्रीट नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो सबसे पहला आता है कंक्रीट नाउन। नाउन जिन्हें हम देखा या छुआ जा सकता है, कंक्रीट नाउन्स कहते हैं, ठीक। जो हमारे नाउन है जिन्हें हम छू कर या हम देख कर बता सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन्स कहेंगे, ठीक। तो हमारा पहला, इसके अंदर जो कंक्रीट जो नाउन है उसके अंदर आता है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, चौथा आता है मटेरियल नाउन, ठीक। जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसके अंदर आता है? कंक्रीट के अंदर आता है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मतलब हमारा सीधा सीधा अर्थ है, जो हमारा प्रॉपर हो, प्रसिद्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक। तो किसी वस्तु या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। तो हमारा एग्जाम्पल आता है द गंगा। जो हमारी गंगा है वो कैसी है? वो महान है, मतलब ग्रेट है। तो हम उसे कहेंगे, ये मतलब फेमस चीज है द गंगा, द हिमालयाज। ये पूरी दुनिया में जानते हैं कि हिमालय की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, तो ये कैसी है? फेमस है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, ठीक। तो इसके कुछ रूल हैं प्रॉपर नाउन के, यहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम आज नाउन को अपना ख़त्म कर लें, अगले भाग में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं प्रॉपर नाउन की पहली डेफिनेशन। पहला रूल प्रॉपर नाउन का पहला रूल कहता है, प्रॉपर नाउन में प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर सदर कैपिटल लेटर में लिखा होता है। जो हमारा जो प्रॉपर नाउन है उसका जो प्रत्येक अक्षर जो होगा वो कैसा लिखा होगा? कैपिटल अक्षर में, मतलब बड़ा अक्षर होगा उसका, तो हम समझ जाएंगे ये प्रॉपर नाउन है। तो उससे जो स्टार्टिंग होगी जो प्रॉपर नाउन की, वो कैपिटल अक्षर से होगी, ठीक। दूसरा रूल कहता है, प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारे आर्टिकल होते हैं, जो हमारे आर्टिकल हैं ए कामा एन कामा द, ये हमारे ये आर्टिकल है, इनके बाद हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल से का प्रयोग नहीं होता है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनमें आर्टिकल का, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। ये हमारा प्रॉपर नाउन का दूसरा रूल कहता है, ठीक। तो हम अपने तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन था वो आर्टिकल से पहले यूज नहीं होता है। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, बी लाइव द त्रवा, बी लाइव, वी लाइव इन द त्रवा। जो त्रवा है वो क्या है? कोई कछुआ होगा त्रवा, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे क्या हो गया? गलत। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रोपोजिशन का प्रयोग आता है, जैसे बी लाइव इन द इन त्रवा, तो ये हमारा क्या होगा? सही, ठीक। तो त्रवा सिटी से पहले अगर कोई कैपिटल अक्षर है, तो उससे पहले अगर प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल आता है कामा एन कामा दा, तो हम उसमें प्रॉपर नाउन का प्रयोग नहीं करते, ठीक। तो रूल अब हमारा आता है थर्ड नंबर का। तो प्रॉपर नाउन का ये थर्ड रूल है, ये क्या कहता है? नदी, झील, सागर, महासागर, रेगिस्तान, पर्वत, पठार, पुस्तक, समाचार पत्र, संख्या आदि के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं, किंतु इनके साथ आर्टिकल द आता है। लेकिन प्रॉपर नाउन का एक और नियम कहता है, जैसे कोई शब्द आ जाए, जो इनमें जो शब्द लिखे हैं, समाचार पत्र है, कोई संख्या है, तो वो कैसे होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, तो उससे पहले हम लेकिन द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा तीसरा रूल थोड़ा घूम फिर के थोड़ा अपवाद की ओर आ जाता है कि मतलब ये अक्षर में हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द गंगा है, द सुपीरियर, द अरबिकन शी, द इंडियन शो, द सहारा डी शर्ट, द हिमालयाज, द पमीर हाईलैंड, द रेड फोर्ट, द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट। तो इतने जो शब्द हैं उनसे पहले हम लेकिन द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंड रूल होता है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो अब हमारा आता है चौथा रूल,
चौथा रूल प्रॉपर नाउन के बारे में क्या बोलता है देखते हैं। यदि एक किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी कॉमन नाउन के रूप में किया गया हो तो आर्टिकल द उस प्रॉपर नाउन से पहले लग जाता है। ये तीसरा रूल ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन मतलब अगर कोई कॉमन नाउन है तो उसके रूप में किया जाए, मतलब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में चेंज करके फिर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा चौथा रूल कहता है। तो आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए, जो इंग्लिश जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना नाउन्स का क्लियर रूल बनाते रहें। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन क्या इसका क्या बनेगा, शेक्सपियर, ये क्या है शेक्सपियर, तो ये कैसे है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। ठीक, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, तो हमारा जो कॉमन नाउन है उससे अगर प्रॉपर नाउन अगर हमारा कॉमन नाउन में चेंज हो जाता तो हम उससे पहले द का प्रयोग कर देते। ये हमारा चौथा रूल था प्रॉपर नाउन का। ठीक, तो ये हमारा चौथा रूल हो गया, चौथा रूल हो गया। फिर आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कानपुर इज मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, तो ये मैनचेस्टर जो है वो क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये किस में चेंज है, कॉमन नाउन में चेंज है, तो हम क्या करते हैं, कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर नाउन, अब हमारे ये चेंज हो गया प्रॉपर नाउन में, ये ऊपर के ये कॉमन नाउन था लेकिन इससे पहले हमेशा हमने कॉमन नाउन में प्रॉपर को हमने कॉमन नाउन में चेंज कर दिया, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग कर दिया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन पूरा हो गया। ठीक, तो हमने नाउन बताया कि नाउन क्या होते हैं, नाउन दो प्रकार के होते हैं, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कंक्रीट जो जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन्हें कंक्रीट नाउन कहते हैं। उनके अंदर कितने पार्ट आते हैं, फोर पार्ट आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक, तो मटेरियल के हमने प्रॉपर के चार पार्ट बता दिए। पहला नियम कहता था कि अगर कैपिटल अक्षर आए प्रॉपर नाउन अगर किसी संज्ञा का तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक, कैपिटल लेटर से मतलब स्टार्ट होते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा रूल है कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले हम ए कामा एन कामा द मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कैसे नहीं करते हैं, वी लिव इन द वी लिव इन त्रिवा, ये कर सकते, लेकिन इससे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ शब्द हैं जो इसके अपवाद हैं, जैसे कुछ नदी, झील, सागर, महासागर और समाचार पत्र, संख्या आदि, ये प्रॉपर नाउन थे, इससे पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन चौथा रूल क्या कहता है, यदि प्रॉपर नाउन किसी मतलब कॉमन नाउन में चेंज हो जाए तो हम उससे पहले द का प्रयोग कर देते हैं। तो हमारे ये कुछ चार रूल थे प्रॉपर नाउन के। ठीक, तो अब हम आगे बात करेंगे, जो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो हम उसमें कॉमन नाउन की बात करेंगे, फिर कॉमन नाउन के बाद दूसरा नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा, मटेरियल नाउन आएगा। ठीक, तो अभी तक के लिए आपको धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दें तो हम आगे के वीडियो जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के लाते रहें। ठीक, धन्यवाद, आप कल मिलते हैं फिर।